The psychological. The psychological laws. The psychological law of conjunction function. Psychological law of conjunction function. उपभोग फलन का मनोवैज्ञानिक नियम. उपभोग फलन का मनोवैज्ञानिक नियम. उपभोग फलन का मनोवैज्ञानिक नियम हिंदी में लिख लीजिए, अंग्रेजी तो लिखा हुआ है ही. उपभोग फलन का मनोवैज्ञानिक नियम. उपभोग फलन का मनोवैज्ञानिक नियम आय और उपभोग के बीच में सीधा संबंध स्थापित करता है. उपभोग तथा आय के बीच सीधा संबंध स्थापित करते हैं. और यह बतलाता है कि जब आय बढ़ती है तब उपभोग भी बढ़ता है, किंतु आय बढ़ने के दर से कम दर से उपभोग में वृद्धि होगी. साइकोलॉजिकल द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन. उपभोग फलन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हमें बतलाता है कि जब आय बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगी, किंतु आय बढ़ने के दर से कम दर से उपभोग बढ़ेगी. आय में वृद्धि अगर हो रही है 20% तो उपभोग में वृद्धि होगी 20% से कम. इसे जेम किन्स ने उपभोग फलन का मनोवैज्ञानिक नियम कहा है. कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम. और इसका डेरिवेटिव होगा dc/dy को कहा जाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. और c/y को कहा जाएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति MPC. सी हो गया कंजम्पशन,
वाई हो गया इनकम, सी हो गया कंजम्पशन, वाई हो गया इनकम। एमपीसी हो गया मार्जिनल, प्रोपेंसिटी टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सी हो गया कंजम्पशन, वाई हो गया इनकम, एफ हो गया फंक्शन। कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। She is a function of Y. She is a function of Y. Consumption is a function of income. Consumption is a function of income. She is a function of Y. डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग अगर लिखते हैं ऐसे डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, तो इसको भी बोला जाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सीमांत उपभोग, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति,
सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। एवरेज प्रोपेंसिटी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको क्या कहेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको बोला जाएगा औसत औसत उपभोग, औसत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी, मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम, औसत उपभोग प्रवृत्ति एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम, सी बाई वाई एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम, डी सी बाई डी वाई मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम, सी इज ए फंक्शन ऑफ वाई। मोतीलाल जी सर, इसको ऊपर से पढ़ो तो रीड आउट करो तो, सी इज ए फंक्शन ऑफ वाई, सी इज ए फंक्शन ऑफ वाई डीसी ओवर डीवाई इक्वल टू एमपीसी, वेयर एमपीसी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डिस्क्रीट इन डिस्क्रीट वे वी कैन राइट इट डेल सी ओवर डेल वाई इक्वल टू एमपीसी, जिसे हिंदी में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है, सी ओवर वाई इक्वल टू एपीसी, जहाँ वेयर एपीसी इज इक्वल टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और हिंदी में से औसत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। वेरी फाइन। सुनीता जी सर,
तुम ऊपर से रीड आउट करो तो कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई डीसी बाय डीवाई इज इक्वल टू एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एंड सी सी बाय वाई इज इक्वल टू एपीसी एवरेज उपभोग प्रवृत्ति ऊपर वाला क्या पढ़ी हो सी इज ए फंक्शन ऑफ वाई इनकम उसको पूरा से लैंग्वेज पढ़ो तो कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ वाई बोलो सर कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ वाई हां ठीक है और लास्ट में क्या बोली सी बाय वाई एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हां अब है वेरी फाइन ठीक है अब देखिए हम लोग के सामने में दो टर्म है एक है सीमांत एक है औसत जी। तो औसत का मतलब हो गया उपभोग और आय के बीच में संबंध और सीमांत का मतलब हो गया एक छोटी सी वृद्धि करते हैं अगर वाई में तो सी में भी वृद्धि हो जाएगी किस दर से वृद्धि होगी उसको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब हो गया उपभोग में प्रवृत्ति का दर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ हो गया उपभोग में परिवर्तन का दर जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग किस दर से परिवर्तित होता है उसी को हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं फिर से बोलते हैं इस लाइन को याद रखना है आपको इंटरव्यू में पूछेगा तो आपको पूछेगा खर्च से जवाब दीजिएगा व्हाट डू यू मीन बाई एमपीसी बोलना है कि श्रीमान एमपीसी का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इसे हिंदी में हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहेंगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमें बतलाता है कि आय में परिवर्तन जब होता है तो किस दर से उपभोग में परिवर्तन होगा इसी दर को हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है दर को बतलाता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दर को बतलाता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दर को बतलाता है आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में परिवर्तन होता है आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में परिवर्तन होता है किस दर से परिवर्तन होता है आय में परिवर्तन होने से उपभोग में परिवर्तन होता है तो किस दर से उपभोग में परिवर्तन होता है इस दर को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं और औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है कि सी और वाई इस दोनों में क्या संबंध है सी बाई वाई अनुपात को बतलाता है सी बाई वाई अनुपात को बतलाता है कि सी और वाई के बीच में अनुपात क्या है सी और वाई के बीच अनुपात क्या है तो सी और वाई औसत प्रवृत्ति जो है वो उपभोग और आय के अनुपात को बतलाता है जबकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में परिवर्तन के दर को बतलाता है जब आय में परिवर्तन होता है मोतीलाल जी जी सर परिभाषित कीजिए तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी जी सर हाँ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसी भी आय में जब व्यक्ति के आय में परिवर्तन होता होने पर उसके उपभोग में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन दर से परिवर्तन होता है उस परिवर्तन हाँ तो किस दर से उपभोग में परिवर्तन होता है यह एमपीसी दर्शाता है वहीं दूसरी ओर औसत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग और आय के बीच में बीच के अनुपात को दर्शाता है एपीसी तो आसान है उपभोग और आय के बीच का अनुपात है और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है उपभोग में परिवर्तन का दर जी उपभोग में परिवर्तन के दर को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं और परिवर्तन क्या होता है तो आय में परिवर्तन होने से होता है परिभाषा बन जाएगा
कि जब आय में परिवर्तन होता है तो जिस दर से सीमांत उपभोग, जिस दर से उपभोग में परिवर्तन होता है उसी दर को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। नवनीत नवनीत जी सर, हाँ सर, खाली ऊपर से देख के पढ़िए तो रीड आउट कीजिए तो सीधे फंक्शन ऑफ वाई से रीड आउट कीजिए तो सर। पहले द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन फंक्शन, यह आय एवं उपभोग के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है और यह बतलाता है कि जब आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ती है, किंतु आय बढ़ने की दर से कम दर से उपभोग बढ़ता है। उदाहरण स्वरूप आय में यदि 20% बढ़ता है तो उपभोग में 20% से कम में वृद्धि होगी। इसे जेएम केन्स ने उपभोग फलन का वैज्ञानिक नियम कहा है। एकदम करेक्ट है। पढ़िए तो इस इक्वेशन को। कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ इनकम, डीसी बाय डीवाई बराबर एमपीसी। यहाँ एमपीसी हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एकदम करेक्ट है। उसके बाद फिर जैसे डेल सी बाय डेल वाई बराबर एमपीसी सीमांत डेल सी बाय डेल वाई जो है खंडित श्रेणी है जी, और डीसी बाय डीवाई सतत श्रेणी है। डीसी बाय डीवाई कौन श्रेणी है? सतत आंकड़ा जो रहता है कंटिन्यूअस आंकड़ा है तो डीसी बाय डीवाई निकालेंगे, खंडित आंकड़ा है तो डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई निकालेंगे। सी बाय डेल्टा वाई खंडित श्रेणी है और डीसी बाय डीवाई सतत श्रेणी है। आगे बोलिए। डीसी बाय डेल्टा ना डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई बराबर एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ ये हुआ कि आय में परिवर्तन जब होता है तो उपभोग में परिवर्तन की दर किस दर से होती है, इस दर को ही हम एमपीसी कहते हैं। करेक्ट। और एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम औसत उपभोग प्रवृत्ति। यह जो है कंजम्पशन और इनकम में संबंध बतलाता है और कंजम्पशन और इनकम के अनुपात को ये दर्शाता है। एकदम करेक्ट 100%। हरिओम 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 आए है कि नहीं? हैं सर, हरी गोविंद चौहान। हरी गोविंद चौहान अभी चले गए हैं? अभी जस्ट चले गए। नेट उठ का दिक्कत हो रहा है। अभी थे? हाँ तो सोच रहे होंगे नंबर आ रहा है मेरा। नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम होगा? हो सकता है। हाँ नेटवर्क भी आजकल बहुत धोखा देता है, बेरहम है नेटवर्क। पूरे अपने ऊपर सारा भार ले लिया है पूरे वर्ल्ड का, एक भाई गायब हो जाएगा वर्ल्ड अंधकार में आ जाएगा। तो ये स्लाइड का सारा बात समझ में आ गया? जी सर। यस सर। ये क्या नाम है इसका? उदेश बच गया सर। यस सर। हाँ सर। हरि गोविंद तो भाग चला, तुम बोलो। द रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इस स्लाइड का पढ़ रहे हैं सर। कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, डीसी बाई डी वाई इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिस्क्रीट सीरीज डेल सी वाई डेल वाई इक्वल टू एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कंजम्पशन बाय इनकम इक्वल टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सी वाई वाई इक्वल टू एपीसी। वाह बहुत अच्छा। क्या नाश्ता किए हो सुबह में? रोटी दाल खाए सर। रोटी और क्या? दाल और सब्जी। वाह दाल का पूरा तुमको मिला हुआ ताकत, बहुत अच्छा बोले हो, फर्स्ट क्लास। अब हरि गोविंद आ गए हैं। हरि गोविंद
Hari Gobind. Hari Gobind Chauhan. Mute you. तो हम लोग देख लिए, अब इस प्लेट के बाद हम लोग नेक्स्ट प्लेट पे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्लेट में हम लोग देखेंगे कि इसका चित्र कैसे बनेगा। तो चित्र बनाने के लिए पहला नियम है कि एक 45 डिग्री का लाइन खींचिए, दूसरा नियम है कि एक ऐसे करके सी खींचिए, यही हो गया सी इज ए फंक्शन ऑफ वाई। और उसके बाद यहां से एक लकीर गिराइए, यही हो गया इनकम वाई वन। अब मान लीजिए कि यहां से एक लकीर गिरा दीजिए तो ये हो गया वाई टू। यहां से यहां जो हुआ यही कहलाएगा डेल्टा वाई। डेल्टा वाई को अगर आप देखिएगा तो यही आपका ये दूरी हो गया डेल्टा सी और ये दूरी हो गया डेल्टा वाई। ये इनकम हो गया और ये जो है कंजम्पशन हो गया। तो यही कर हो गया, इसी कर को कहा जाएगा साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम आपको अब देखिए साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन डायग्राम बाय हैंसन। केन्स महोदय ने अपने किताब में एक भी डायग्राम नहीं दिया है अपने थ्योरी का, वो केवल सूत्र में और लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन एक किताब है, उस किताब का नाम है गाइड टू केन्स। किताब का नाम क्या है? गाइड टू केन्स।
अरे देखिए म्यूट कीजिए, तो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन डायग्राम बाय हैंसन, गाइड टू किन्स नाम के किताब लिखी, उनके सारे थ्योरी को चित्र में बदल दिया। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको चेंज इन चेंज इन इनकम दिखाई दे रहा है, और ये ऊपर वाला डेल्टा सी जो है, डेल्टा सी ये है आपको चेंज इन चेंज इन कंजम्पशन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन डायग्राम बाय हैंसन, किताब का नाम है गाइड टू केन्स, हैंसन के किताब का नाम है गाइड टू केन्स। इसी किताब में इन्होंने केन्स के सिद्धांतों को चित्र द्वारा प्रदर्शित किया है। केन्स महोदय की किताब में एक भी चित्र नहीं है, एक चित्र है सेविंग इन्वेस्टमेंट का, जिसके नीचे केन्स ने लिखा है कि मेरा चित्र नहीं है, ये हैरड का चित्र है, हैरड का सेविंग इन्वेस्टमेंट का चित्र अपने किताब में उद्धृत किए हैं, उन्होंने अपना कोई भी चित्र नहीं दिया। लेकिन एल्विन हैंसन जो है वो उन्हीं के सारे बातों को चित्र द्वारा प्रदर्शित किया है, उसी चित्र को आपको दिखला रहे हैं। यहां बतला रहा है कि अगर मान लीजिए20% इंक्रीज हुआ इनकम में, तो यहां इंक्रीज हो रहा है आपको इससे छोटा है, आधा के आसपास है, 9% हो रहा है चेंज, चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, कंजम्पशन में वृद्धि हो रही है, 9% वृद्धि हो रही है, कंजम्पशन में वृद्धि हो रही है, जबकि आय में वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब हो गया
कि इसका अर्थ हो गया कि डेल्टा सी जो है वो हालत में कम होगा डेल्टा वाई से। डेल्टा वाई में अगर 20% चेंज हो रहा है तो यहाँ हो रहा है 9% चेंज। मोतीलाल समझ में आया चित्रना? जी सर। मोतीलाल जी सर समझ में आ गया? जी सर। सुनीता? जी सर। चित्र समझ में आ गया? जी जी बिल्कुल। आय में वृद्धि किए वाई वन से वाई टू जी, तो कंजम्पशन में वृद्धि हो गया। कितना वृद्धि हो गया? डेल्टा सी। डेल्टा सी वो अगर ऐसे दे दे C1 F डेल्टा सी कितना के बराबर है? C1 F तो C1 F छोटा है दूरी। किस दूरी से? Y1 Y2 से दूरी छोटा है। Y1 Y2 तो C1 F दूरी से छोटा है Y1 Y2। तो इसका मतलब हो गया कि जब जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी उसका उपभोग बढ़ेगा, लेकिन उसका बढ़ने का दर कम होगा। आय बढ़ेगी जितना उतना उपभोग नहीं बढ़ेगी। इससे केन्स ने कहा कि अर्थव्यवस्था में एक तरह का असंतुलन हो जाएगा और उसी असंतुलन के कारण अर्थव्यवस्था में जितने आय बढ़ रही है उतना उपभोग नहीं बढ़ेगा, तो क्या होगा? बचत कर लेगा। केन्स ने कहा कि बचत करना जो है विकसित देश के लिए पाप है। विकसित देश के लिए बचत को उन्होंने क्या कहा? पाप का। सेविंग इज वाइस, VIC वाइस। तो इसी चीज को हम लोग अभी एक दूसरे डायग्राम से देखेंगे। ये हो गया C J फंक्शन ऑफ वाई। अब देखिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सी के ऊपर का जो एरिया है ये एरिया देखिए, यही एरिया खर्चा नहीं हो रहा है। उपभोक्ता खर्चा जो कर रहा है वो लाल बता रहा है, लेकिन ये एरिया क्या है? बचत वाला एरिया। बचत। यही एरिया जो है वो सेविंग कहलाएगा। यही एरिया क्या कहलाएगा? सेविंग। कहा कि यही सेविंग जो है वो सारे प्रॉब्लम का जड़ है। यही सेविंग जो है सारे प्रॉब्लम का जड़ है।
यहाँ होना चाहिए और यहाँ होना चाहिए। इनकम वाई वन से हो गया वाई टू और उपभोग में भी परिवर्तन हुआ, लेकिन उपभोग में परिवर्तन हुआ इतना इतना ही डेल्टा सी हुआ। डेल्टा सी कितना हो गया, कहा कि डेल्टा सी हो गया सी वन सी टू, सी वन सी टू। अब गौर से देखिए कि आपका आय में वृद्धि जो है इतना हो गया, इतना में वृद्धि हो गया, आय में वृद्धि हो गया इतना, और उपभोग में वृद्धि कम हो रहा है। तो ये जो है ये सेविंग जो है अर्थव्यवस्था में, सेविंग अर्थव्यवस्था में क्या काम करता है, लीकेज का, लीकेज वाला, लीकेजेज। सेविंग अर्थव्यवस्था में लीकेज का काम करता है, सेविंग अर्थव्यवस्था में लीकेज का काम करता है। सेविंग अर्थव्यवस्था में लीकेज का काम करता है। सेविंग अर्थव्यवस्था में लीकेज का काम करता है। इनकम है और यहाँ आपको कंजम्पशन है। इसको कहेंगे इंक्रीज इन इंक्रीज इन इनकम। Increase in income. तो सेविंग क्या हो जाता है, सेविंग जो है
लीकेज है। कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन का नाम होता है लेवरेज। कंजम्पशन इज लेवरेज। कंजम्पशन इज लेवरेज। सेविंग है लीकेज और कंजम्पशन है लेवरेज। लेवरेज जो है ऊपर उठावेगा और लीकेज जो है गिरा देगा नीचे इकोनॉमी को। कंजम्पशन को लेवरेज कहते हैं, लीवर जो कि घुमाने से ऊपर उठ जाएगा। और कंजम्पशन के बाद जो बचा हुआ है कर जाता है वर्चू माने पुण्य, और विकसित देश में उसको पाप कहा जाता है। सेविंग इज ए वाइस कार्य। सेविंग जो है पूरे अर्थव्यवस्था में लीकेज क्रिएट कर देता है, रिसाव होने लगता है और अर्थव्यवस्था को जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ नहीं पाता है। तो सेविंग इज लीकेज वेयर एज कंजम्पशन इज लेवरेज। सेविंग इज लीकेज वेरेज कंजम्पशन इज लेवरेज। सेविंग जो है अर्थव्यवस्था के आय के प्रवाह में रिसाव का काम करता है, छिद्र कर देता है। रिसाव का मन चू चू के कुछ रिस जाता है। सेविंग इज लीकेज, और इसको पाटने के लिए हम लोग को लेवरेज करना पड़ेगा, उपभोग में वृद्धि करनी पड़ेगी। सेविंग इज लीकेज एंड कंजम्पशन इज लेवरेज। मोतीलाल जी सर, इसको आप फिर से बोलिए तो जो हम बोले हैं। सेविंग अर्थव्यवस्था में लीकेज का काम करता है, वहीं दूसरी ओर कंजम्पशन लीवरेज
की तरह काम करता है। लीवरेज इकोनॉमी को उठाने का काम करेगा जबकि लीकेज इकोनॉमी को बैठाने का। इसलिए इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन की दर में वृद्धि करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। करेक्ट। सुनीता जी सर, तुम बताओ तो क्या ये चित्र क्या बतला रहा है? सर सेविंग इज लीकेज, मतलब कि बचत जो है विकसित देशों में रिसाव का कार्य करता है और कंजम्पशन जो है लेवरेज का कार्य करता है। हाँ ठीक बोल रही हो। अगर अर्थव्यवस्था में जी दोनों का तुलना करो, अर्थव्यवस्था में आय बढ़ती है, अर्थव्यवस्था में आय बढ़ने से उपभोग में वृद्धि होती है लेकिन जिस कम दर से होती है, कम दर से होती है जिसकी वजह से बचत का जन्म होता है, बचत का जन्म होता है जिसे केन्स ने विकसित देशों के लिए पाप कहा है। और जितना उपभोग नीचे आएगा उतना सेविंग बढ़ता चला जाएगा, पूरी अर्थव्यवस्था जो बैठ जाएगी क्योंकि अर्थव्यवस्था चलती है उपभोग से जी, सेविंग जो है लीकेज है, इसलिए वहां सैलरी जो है अमेरिका में 15 दिन पर दे देता है, कनाडा में 15 दिन पर दे देता है, खर्च करे लो कंजम्पशन करे, खर्च कर ले, यहाँ चाहेगा कि सैलरी साल भर के बाद लेना ना बाबू, काम करते रहो। यहाँ का मानसिकता देखोगे कि नौकरवा जो काम कर रहा है जी, उसको सैलरी जो है कर जमा हो रहा है तुम्हारा, साल भर के बाद जब जाओगे उस समय तुमको देंगे। नौकर जो घर में रह रहा है काम कर रहा है उसकी आर्थिक स्थिति वैसे ही है क्योंकि पैसा मिला वो कर रहा है, देंगे साल भर के बाद जब घर जाओगे उस समय देंगे। बेचारा बंधा हुआ भी रहेगा, भाग नहीं सकता है। तो सर तो मान लीजिए विकसित देशों में तो फिर जैसे कि इंडिया के जैसे देश जो है तो उसके लिए तो ये सेविंग्स बहुत काम करता है, इसलिए कि निवेश में वृद्धि होती है इससे, इसलिए कि वहाँ फैक्ट्री स्थापित हो चुका है, धरती पर जितना कुछ होना था हो चुका है जी, ऑलरेडी विकसित है इसी कारण से सारा संसाधन का ऑप्टिमम संसाधन का वो बचत करके विनियोग कर लिया, जब अर्धविकसित था तब ऑप्टिमम यूज कर चुका है। 1860 ईस्वी में अमेरिका के सड़क पर बैलगाड़ी चलती थी, उसके नीचे में लालटेन लगा रहता था, चाहे कैलिफोर्निया हो चाहे फ्लोरिडा, सब जगह वही स्थिति थी। लेकिन वो बचत किया, बचत को विनियोग किया, विनियोग करके विकास किया। हमारे यहाँ जो है अब पॉपुलेशन कम है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन तारा वो तोड़ बढ़ता चला गया और इनकम भी हुआ तो उसमें कंजम्पशन है पूरा हुआ, उपभोग बचत नहीं हुआ, तो बचत कम हो गया, उपभोग ज्यादा हो गया, विनियोग कम हो गया, तो पिछड़े के पिछड़े रह गए, अब पॉपुलेशन बढ़ता चला गया। तो कहता है कि सेविंग इज ए लीकेज इन डेवलप्ड कंट्री, हम जब भी बात कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहे हैं, और डेवलप्ड कंट्री पहले वो भी पिछड़ा हुआ था, अंडर डेवलप्ड था, वो भी पिछड़ा हुआ था, अंडर डेवलप्ड था, पहले वो भी पिछड़ा हुआ था और अंडर डेवलप्ड था। तो कहता है कि सेविंग इज ए लीकेज वेयर एज कंजम्पशन इज लेवरेज, बचत जो है वो लीकेज है और कंजम्पशन क्या है, लेवरेज है। लीकेज का मतलब रिसाव और लेवरेज का मतलब हो गया रिसाव को बंद करने वाला, रोकने वाला, रिसाव नहीं हो, लीवर का काम करता है। तो कंजम्पशन इज लेवरेज और सेविंग इज लीकेज। किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में पिछड़ापन क्यों आता है, क्योंकि वहां कंजम्पशन बढ़ जाता है, सेविंग घट जाता है।
नहीं कंजम्पशन घट जाता है घट जाता सेविंग है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। सेविंग कंजम्पशन घट जाता है सेविंग बढ़ जाता है तो भी पिछड़ापन हो गया। इसी थ्योरी का आविष्कार उन्होंने केन्स ने किया जो आगे चल करके थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड बन जाएगा। हम लोग यहाँ पर अभी कंजम्पशन पर है, कंजम्पशन को देख रहे हैं। कंजम्पशन जो है जरूरी है, कंजम्पशन जितना अधिक होगा सेविंग कम होगा। विकसित देश में सेविंग से ज्यादा कंजम्पशन चाहिए ताकि सारा फैक्ट्री चलता रहे, उसका माल बनता रहे, माल बिकता रहे, ये चाहिए। सभी जगह जो है माल का बढ़ना और बढ़ता चला जाए, तो इसलिए कहता है कि इकोनॉमी में अगर हमको विकास करना है तो उपभोग में वृद्धि करना होगा, क्योंकि बचत जो है लीकेज के समान होता है। क्लियर हुआ बात? जी सर। इमर्जिंग इकोनॉमी और अंडर डेवलप इकोनॉमी का क्या डिफरेंस है, मतलब अलग अलग? अरे इमर्जिंग इकोनॉमी जो है वो जवान हो रहा है, अंडर डेवलप जो है भी बच्चा है। शिशु और जवान के बीच में जो अंतर है वही अंडर डेवलप्ड और इमर्जिंग इकोनॉमी। इमर्जिंग इकोनॉमी क्या हुआ, इंडिया को बोला जा रहा है जवान हो गया। हाँ, इंडिया को बोला जा रहा है इमर्जिंग, बोल बोल करके ग्रोथ रेट जीडीपी का 2% हो गया है। उद्देश्य इस क्वार्टर में तो और बुरा हाल है। ग्रोथ रेट बताओ तो क्या है पोजीशन? -23.9, बहुत ही कम। इस क्वार्टर का बता रहा है सर, लॉकडाउन वाला पीरियड जो है सो जी सर, अभी लेटेस्ट आया है सीएसओ का। माइनस कितना बताया है? 23.9। एक आदमी बोलो, -29.9 23.9। लेकिन इसके पहले कितना था? 2% था, 3.1 था मार्च में, 3.1 था जी सर, मार्च में था, मार्च में 31 मार्च, मार्च वाला में 3.1 था जी, प्लस अब माइनस हो गया, -23.9 हो गया। हाँ, अब अच्छा है कि इसको पब्लिश नहीं है, करे कर चुका है कर चुका है सर। पब्लिश करने से लोग हताश हो जाएगा, अरे ट्रेन बंद है तो उतना ही माइनस हो गया ना, हवाई जहाज बंद, ट्रेन बंद, पानी वाला जहाज बंद, सब तो बंद, सब बंद है तो सब बंद है, तो कैची नाप रहे हैं आप? कुआं तालाब में पानी नहीं है, आप नाप रहे हैं कि 1 फीट पानी है, ड्राई अप है, ये अबनॉर्मल सिचुएशन है। अबनॉर्मल सिचुएशन में जीडीपी सही रूप नहीं बतलाएगा आपको, जिसके पास पैसा भी है वो भी दबा करके खर्च नहीं कर रहा है कि डर है आगे क्या होगा, आगे कैसा चलेगा, अनसर्टेंटी का वातावरण है। ये आंकड़ा कहाँ का है? एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन नाम नहीं बोलता है ना सर, मर्जर करके एनएसओ बोल दिया आप। मर्जर नहीं, एनएसएसओ को हटा के एनएसओ किया। हाँ तो पीछे हटा दिया ना, सीएसओ का भी इसी में लेगा। क्या किया है? एनएसएसओ था तो उसको हटा के एनएसओ किया, अभी भी सीएसओ के अंडर में ही है, अंडर ले रहे हैं। पहले नाम था इसका एनएसएस,
सिंपल शब्द को हटा रहा है सर, सिंपल शब्द को हटा दिया है सर, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस था और नाम कर दिया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। यस सर। सैंपल सर्वे वर्ड हटा दिया जी। यस सर। सैंपल लगता है नहीं ले रहा है अपने से क्या कर रहा है। एक्चुअल में सैंपल सर्वे वाला में डाटा वेग ही रहता था ना, क्लियर डाटा तो नहीं आता था, और कोई उपाय भी तो नहीं है, उसी तरह से तो होता ही है। डाटा जो है सैंपल सेंसस डाटा तो केवल एक ही पॉपुलेशन वाला लेता है, बाकी कोई भी काम जो होता है वो सैंपल में होता है। इट इज ए स्टैटिस्टिकल मेथड व्हिच आर वाइडली यूज्ड। तो ये चित्र समझ गए ना? जी जी सर। और देखिए एक तीसरा चित्र इसमें है कि ये आपका कंजम्पशन है, ये आपका कंजम्पशन है, ये हो गया C1, ये हो गया C। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक लकीर अगर खींचते हैं तो इनकम हमारा कांस्टेंट है, इनकम कांस्टेंट है, लेकिन कंजम्पशन देखिए बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। इनकम कांस्टेंट है लेकिन कंजम्पशन जो है आपको बढ़ गया, ए बी लाइन बढ़ के हो गया ए बी सी डी। तो ये जो कंजम्पशन में हो गया इसको कहा जाएगा इंक्रीज इन कंजम्पशन। इंक्रीज इन इंक्रीज इन कंजम्पशन, जबकि आय आपका कांस्टेंट है। इनकम इज कांस्टेंट, और इनकम इज कांस्टेंट और कंजम्पशन जो है आपका बढ़ गया। इनकम कांस्टेंट है और कंजम्पशन बढ़ गया, इनकम कांस्टेंट है और कंजम्पशन आपका बढ़ गया। तो इसको साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन नहीं कहेंगे। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन जो पहले चित्र दिखाए थे वो एक ही कर पर आपको लेना होगा। वो कर यहाँ आ गया तो ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन नहीं है। इनकम कांस्टेंट है, कंजम्पशन बढ़ गया, इनकम कांस्टेंट है, कंजम्पशन बढ़ गया, इस अवस्था को हम कह सकते हैं पॉपुलेशन बढ़ गया। पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो इनकम कांस्टेंट रहेगा लेकिन कंजम्पशन आपका बढ़ जाएगा। जी, उपभोग बढ़ जाएगा। बाहर से माइग्रेंट सब माइग्रेशन करा के चला आया, इमाइग्रेंट माइग्रेंट आ गया तो आपके यहाँ उपभोग बढ़ जाएगा। श्रीलंका से सब आकर के तमिलनाडु में घुस जाता है तो वहां उपभोग बढ़ जाएगा।
जबकि वहां के इनकम लेवल जो कहते हो, अब फिर वो पानी के बोट से फिर वापस चला जाएगा। तो कहता है कि वो अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, और इसलिए इसको कहा जाएगा शिफ्ट इन कंजम्पशन फंक्शन। क्या कहेंगे? अपवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड शिफ्टमेंट, अपवर्ड शिफ्ट इन अपवर्ड शिफ्ट इन अपवर्ड शिफ्ट इन कंजम्पशन अपवर्ड शिफ्ट इन कंजम्पशन फंक्शन अपवर्ड शिफ्ट इन कंजम्पशन फंक्शन तो इंक्रीज इन कंजम्पशन होगा इसको अपवर्ड शिफ्ट इन कंजम्पशन फंक्शन। इस इनकम इनकम का कोई प्रभाव कंजम्पशन पर नहीं पड़ रहा है, इसलिए सी इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वाई। यहां जो है यहां पर क्या स्थिति है, सी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वाई, नॉट अ फंक्शन ऑफ वाई। ये सी में जो वृद्धि हुई है वो कोई और कारण है, कहीं से पॉपुलेशन शिफ्ट होके आ गया उपभोग बढ़ जाएगा, जनसंख्या बढ़ गई उपभोग बढ़ जाएगा, आमदनी आपकी नहीं बढ़ी लेकिन उपभोग बढ़ गया, अब कर्जा लीजिए जो कीजिए बाहर से मंगाइए। तो कहता है कि अपवर्ड शिफ्ट इन कंजम्पशन फंक्शन, यहाँ कंजम्पशन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इनकम, कंजम्पशन कॉन्स्टेंट है, यहाँ क्या है इनकम, यहाँ इनकम कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट इनकम कॉन्स्टेंट इनकम कंडीशन, कॉन्स्टेंट इनकम कंडीशन है, कॉन्स्टेंट इनकम कंडीशन है। कंजम्पशन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इनकम, किसी और के कारण से ये बढ़ रहा है कुछ हो रहा है, और केवल एक कर्व रहेगा तो कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। क्लियर है? जी सर। जी सर। अब देखिए एक वर्ड है जो आप पढ़े हुए हैं, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को हम लोग इक्वल टू क्या क्या मानते थे, के के मानते थे। अब गौर से देखिए कि के का फॉर्मूला क्या हो जाता है, के का फॉर्मूला हो जाता है MPS होता है, एक 1/1 माइनस MPC। वन बाई
1 by one minus MPC. One minus MPC. K का फॉर्मूला क्या होता है? One by one minus MPC. One minus MPC. मतलब कि K जब भी आप लिखिएगा तो K बराबर हो जाएगा one. वन माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई. तो अगर आप इसको इसको लेफ्ट में ले जाइएगा नीचे वाला तो हो जाएगा वन माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाई वन बाई के हो जाएगा ना जी. अब इसको अगर हम लोग इधर ले जाएं तो हो जाएगा प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई और इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस वन माइनस वन वन बाई के. तो के में K और डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई. आवाज आ रहा है, म्यूट कर लीजिए सब लोग. डेल्टा K बाई डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई तो रिलेशनशिप हो गया कि K और डेल्टा C बाई डेल्टा वाई K बढ़ेगा C बढ़ेगा तो K बढ़ेगा. C बढ़ेगा तो C बढ़ेगा तो K बढ़ेगा. मल्टीप्लायर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई अगर 50% है तो के बराबर क्या हो जाता है? दो. दो. अब 50% से कम हो जाएगा तो के का आकार कितना होगा? 2% पर निकालो तो कितना होगा? 20% पर. मोतीलाल जी सर, 20% पर निकालिए तो कितना होगा मल्टीप्लायर? 20% मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, 50% पर तो 2 होगा. हम लोग क्लियर है? 20% पे 5 होगा. 5 हो जाएगा सर. 5 हो जाएगा. 5% 5 मल्टीप्लायर 5 हो जाएगा, गुना हो जाएगा. हैं? 5 हो जाएगा सर, 5 गुना हो जाएगा. फिफ्टी परसेंट पर कितना होता है? 2 होता है.
20% पर कितना होगा, सॉल्व करके देखिए ना। अच्छी तो आ रहा है सर, लेकिन 20% पर एक से थोड़ा कम होना चाहिए सर। तब बना पांच कहां से होगा, पांच हो नहीं रहा सर, एक से थोड़ा कम हो जाएगा सर। और कितना कम होगा देखिए ना, 50% पर दो होगा, तो 50 से कम होगा तो दो से कम है ना होगा, हायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हायर द साइज ऑफ मल्टीप्लाई, इसलिए उपभोग को बढ़ाने 0.1 होगा सर, 0.8 हो जाएगा सर, 0.8 होगा, 0.8 हाँ, 0.8 हो जाएगा, 25 में एक हो जाएगा और फिर उससे पांच गिरा देंगे तो 0.8 हो जाएगा, 0.2 हट जाएगा, 0.8 जी, 0.8 होगा, ऐसे हो जाएगा 2, 20% पर निकाले हैं ना 0.8 जी जी, और 50% पर आ गया आपको जी 2, तो एमपीसी और के बीच का संबंध आप निकालिएगा तो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, मतलब कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा तो गुणक का आकार बढ़ेगा, लिख लीजिए सीधा संबंध दोनों के बीच, लिख लीजिए देयर इज डायरेक्ट देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, there is direct relationship between marginal propensity to consume and size of multiplier. There is direct relationship between marginal propensity to consume and size of multiplier. परीक्षा में एबीसीडी रहेगा तो बोलेगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मल्टीप्लायर में क्या संबंध है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मल्टीप्लायर में क्या संबंध है, तो यही फॉर्मूला डाल करके चित्र बना के डाल दीजिएगा, 50 पर दो होता है आपको क्लियरली याद रहेगा ऑलवेज, 20 पर निकाल लीजिए 0.8 है, एक प्लॉट कर दीजिए, इस प्रकार स्पष्ट हो रहा है कि अगर हमको अर्थव्यवस्था का मल्टीप्लायर का ज्ञान है और एमपीसी का ज्ञान है
तो हम लोग जान सकते हैं कि मल्टीप्लायर को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो एमपीसी को बढ़ाना होगा। एमपीसी को में वृद्धि कीजिएगा तो मल्टीप्लायर का आकार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था में तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगा, बेरोजगारी दूर होगी, समृद्धि आएगी। मोतीलाल जी सर, क्या समझे इससे? मैं सर, एमपीसी का सीधा संबंध मल्टीप्लायर, साइज ऑफ मल्टीप्लायर से होता है अगर, और इसमें सीधा संबंध होने के वजह से अपवर्ड स्लोपिंग रिफ्लेक्ट करता है। अगर मल्टीप्लायर, साइज ऑफ मल्टीप्लायर 2 है तो 50% का कंजम्पशन शो होता है। वहीं अगर मल्टीप्लायर को 2 से कम रखते हैं, मान लीजिए 1 रखते हैं तो 25% का ग्रोथ दिखाएगा, वहीं 0.8 होता है तो 20% का। इस प्रकार यह अपवर्ड स्लोपिंग रिफ्लेक्ट करता है और यह बताता है कि अगर मल्टीप्लायर में वृद्धि करना है तो एमपीसी में वृद्धि करना होगा और उसका अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, समृद्धि आने का संकेत मिलता है। अर्थव्यवस्था में उपभोग जो है वो लेवरेज है और बचत जो है वो लीकेज है, इसलिए मल्टीप्लायर को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो लेवरेज वाला प्रोपोर्शन को बढ़ाइए। लेवरेज प्रोपोर्शन बढ़ाने से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बढ़ाइए तो मल्टीप्लायर का आकार बढ़ेगा और वह आकार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ये आपको लाभकारी होगा। अब आ जाइए, टाइटल होगा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स डिटरमाइनिंग, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंजम्पशन फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंजम्पशन फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंजम्पशन फंक्शन। नंबर वन है इनकम, नंबर टू है वेज, नंबर थ्री है विंडफॉल गेंस। नंबर फोर है
products. Tax change. Number 5 है इंटरेस्ट चेंज. आय वृद्धि, आय वृद्धि होगा तो सी में वृद्धि होगा. मजदूरी में वृद्धि होगा तो सी में वृद्धि होगा. विंडफॉल गेन का मतलब होता है लॉटरी निकालना. लॉटरी, लॉटरी से आय में वृद्धि तो उपभोग में वृद्धि हो जाएगा. उपभोग में वृद्धि तो सर अस्थाई नेचर हो गया ना. अस्थाई है मैंने अचानक परिवर्तन होगा. कर में कमी कीजिएगा तो उपभोग में वृद्धि होगी, सी में वृद्धि होगी. ब्याज दर में कमी कीजिएगा. अभी कैसे सब ब्याज दर में बहुत तरह का कमी किया है तो सी में वृद्धि होगी. लाभ दर में वृद्धि होगी तो धनवान आदमी का सी में वृद्धि हो जाएगा. तो कहता है कि नंबर 1 है आय. नंबर 1 क्या है? आय. कहता है कि अगर आय में वृद्धि होगी तो सी में वृद्धि होगी. नंबर 2 है मजदूरी. मजदूरी में वृद्धि होगी तो सी में वृद्धि होगी. नंबर 3 है विंडफॉल गेन. विंडफॉल गेन का मतलब हो गया, विंडफॉल गेन का मतलब हो गया लॉटरी. लॉटरी से अगर आय में वृद्धि हो गई तो उस आदमी का उपभोग तुरंत बढ़ जाएगा. टैक्स में कमी, टैक्स में कमी, फोर्थ. टैक्स में कमी अगर आप करते हैं तो सी में वृद्धि होगी. ब्याज दर में कमी करेंगे तो सी में वृद्धि होगी. लाभ दर में वृद्धि करेंगे तो सी में वृद्धि होगी. सी में वृद्धि, लाभ दर में वृद्धि तो सी में वृद्धि होगी. सी में वृद्धि होगा. तो ये सब तत्व को कहेंगे ऑब्जेक्टिव फैक्टर. ऑब्जेक्टिव फैक्टर का मतलब हो गया जिसको हम लोग देख सकते हैं. ऑब्जेक्टिव फैक्टर क्या हो गया? जिसको हम लोग देख सकते हैं. तो ब्याज दर में कमी करेंगे तो देख सकते हैं ब्याज दर में कम हो गया, उपभोग में वृद्धि हो जाएगी. उपभोग में वृद्धि हो जाएगी. लॉटरी से आय बढ़ेगी तो आय में वृद्धि हो जाएगी. मजदूरी में वृद्धि होगी
तो सी में वृद्धि होगी। तो ये सब को ऑब्जेक्टिव फैक्टर कहा जाता है। सुनीता जी सर, ऑब्जेक्टिव फैक्टर को केवल पढ़ो तो ऊपर से देख के हिंदी में बोलते जाओ। पहला है आय में वृद्धि होगी जिससे कि उपभोग में भी वृद्धि होगी। दूसरा है मजदूरी में वृद्धि के कारण उपभोग में वृद्धि होगी। तीसरा है विंडफॉल गेन्स, जैसे कि लॉटरी से जब आय में वृद्धि होती है तो उसके कारण भी उपभोग में वृद्धि होगी। चौथा है जब कर में कमी की जाती है तो उपभोग में वृद्धि होती है। इसी तरह जब ब्याज दर में कमी की जाती है तो उपभोग में वृद्धि होती है, और जब लाभ की स्थिति होती है उसमें भी उपभोग में वृद्धि होती है। मोतीलाल जी सर, मोतीलाल जी सर, ऊपर से रीड आउट कीजिए तो हिंदी में। दृष्टिगत फैक्टर जो कि कंजम्पशन फंक्शन को डिटरमाइन करता है वो इस प्रकार है। वस्तुनिष्ठ फैक्टर जो कंजम्पशन फंक्शन को डिटरमाइन करता है वह इस प्रकार है। पहला आय, यदि आय में वृद्धि होती है तो कंजम्पशन में भी वृद्धि होगी। उसी प्रकार अगर वेज में वृद्धि की जाती है तो उससे भी उपभोग में वृद्धि होगी। विंडफॉल गेन, यहाँ मतलब अस्थायी तौर पर किसी प्रकार की धन प्राप्ति होती है तो वैसी अवस्था में भी कंजम्पशन में वृद्धि होती है। और टैक्स में अगर कमी की जाती है तो भी व्यक्ति के पास आय की मात्रा में वृद्धि होगी और उससे भी कंजम्पशन में वृद्धि होते हैं। इसी प्रकार अगर इंटरेस्ट रेट में कमी की जाए तो भी व्यक्ति के पास आय की मात्रा में वृद्धि होगी और इससे भी कंजम्पशन में वृद्धि होगी। उसी प्रकार प्रॉफिट में अगर मतलब लाभ में किसी वस्तु के उत्पादन और उसके लाभ में अगर वृद्धि होती है तो उससे भी कंजम्पशन में वृद्धि होगी। उद्देश्य सर, इंग्लिश वाला रीड आउट करो तो इनकम ऊपर से बोलो। ऑब्जेक्टिव फैक्टर से डिटरमाइनिंग कंजम्पशन फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फैक्टर डिटरमाइनिंग कंजम्पशन फंक्शन इनकम वेज विंडफॉल गेन्स टैक्स चेंज। नंबर वन इनकम, नंबर वन इनकम, नंबर टू वेज, नंबर वन इनकम, फिर थोड़ा पॉज दो फिर बोलो इनकम राइजेज कंजम्पशन राइजेज ऐसे बोलो। ऑब्जेक्टिव फैक्टर डिटरमाइनिंग कंजम्पशन फंक्शन, नंबर वन इनकम राइजिंग कंजम्पशन राइजिंग, नंबर टू इंक्रीज इन इनकम, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन कंजम्पशन, एक लाइन बोलो अंग्रेजी में जी। नंबर वन इनकम, इंक्रीज इनकम, इंक्रीज इन इनकम, क्या हो गया, इंक्रीज इन कंजम्पशन ऐसे बोलो, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन कंजम्पशन बोलो, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन कंजम्पशन, नंबर टू इंक्रीज इन वेज, इंक्रीज इन कंजम्पशन, नंबर थ्री इंक्रीज इन विंडफॉल गेन्स, इंक्रीज इन कंजम्पशन, विंडफॉल gains increase in consumption, increase number 4 tax change, increase in tax change, increase in consumption change, decrease tax decrease na ha yes sir, decrease in consumption, number 5 interest rate change, tax wala phir se bolo, tax wala phir se bolo, tax rate mein decrease hona, decrease in tax rate aise bolo, yes sir, number 4 tax change, decrease in tax rate, increase in consumption, number 5 interest change, increase in decrease in interest change, increase in consumption,
इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड इंक्रीज इन कंजम्पशन. कंजम्पशन करेक्ट करेक्ट. नवनीत जी सर, तुम अंग्रेजी वाला खाली टर्म बोलो तो 1 2 3 करके ऑब्जेक्टिव बोलो. ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंजम्पशन फंक्शन. इसमें फर्स्ट है इनकम. इफ इनकम इन इंक्रीज देन कंजम्पशन इन इंक्रीज. इंक्रीज है जी. द सेकंड वेज, इफ वेज इज इंक्रीजेस देन कंजम्पशन इंक्रीजेस. इंक्रीजेस. थर्ड windfall, if windfall grains increases then consumption increases. Fourth is correct. Fourth is tax change. If tax decreases then consumption is increases. Correct. Fifth is interest change. If interest change is decrease then consumption is increases. Correct. Sixth is profit. If profit is increases, then consumption is increases. Correct. अब हम लोग देखेंगे subjective factors. Subjective factors determining subjective factors subjective factors determining consumption function. 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 Fear of old age. Love for posterity, love for posterity. Posterity का मतलब हो गया future generation, future love for posterity, future generation. Prudence.
एक्सट्रावेगेंस। अब सब्जेक्टिव फैक्टर का मतलब होता है जो हम महसूस करते हैं, हम लोग देख नहीं सकते लेकिन महसूस करते हैं। तो सबसे है कि हर आदमी को बुढ़ापा का डर रहता है, बुढ़ापा का डर। तो बुढ़ापा का डर रहता है तो वो बचत करना शुरू करता है, चाहे कंपल्सरी प्रोविडेंट फंड का हो या LIC का हो, जहां भी हो बचाने का कोशिश करेगा। तो उपभोग पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। फियर ऑफ ओल्ड एज से उपभोग घट जाता है, फियर ऑफ ओल्ड एज से उपभोग घट जाता है। दूसरा है लव फॉर पोस्टेरिटी फ्यूचर जनरेशन। तो वंश के लिए, वंश परंपरा, वंश को धन मिले इसके लिए बचाने का कोशिश करेगा कि फ्यूचर जनरेशन में मिले। प्रूडेंस का मतलब होता है कि अग्र सोची, अग्र सोच, आगे का कोई सोचता है बहुत ज्यादा तो उसमें बचाने की प्रवृत्ति होती है, और वो बचाता है तो वो कम हो जाएगा। चौथा एक्स्ट्रावेगेंस, एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब होता है फिजूल खर्च। तो फिजूल खर्च जो है इंटरप्राइज, जोखिम उठाने वाला व्यक्ति, जोखिम उठाने वाला व्यक्ति होगा तो वो उपभोग अधिक करेगा। इंटरप्राइजिंग होगा, खर्च करेगा। माइजर माने कंजूस, कंजूस प्रवृत्ति का आदमी होता है तो उसमें ये व्यवहार होता है कि वो कम खर्च करेगा। डिजायर फॉर मोर वेल्थ, बराबर 99 को 100 करने के पेड़ में रहेगा। धन संग्रह,
तो बराबर कर्टेल करेगा खर्च पर। तो कहता है कि ये सब जो सोच है, इस सोच के कारण उपभोग में कमी हो जाती है। चाहे ओल्ड एज का डर हो, चाहे फ्यूचर जेनरेशन के लिए बचाने के लिए हो, या अगर सोची से बचाने का हो, फिजूल खर्च कर रहा है तब उसका थोड़ा फिजूल खर्ची से सी पे असर पड़ेगा, सी बढ़ेगा। इंटरप्राइज है जोखिम उठाने वाला व्यक्ति, सी अधिक करता है। माइजर कंजूस जो है वो सी कम करेगा। डिजायर फॉर वेल्थ जो है वो सी कम करेगा। तो उपभोग पर ये जो असर पड़ेगा इसको बोलेंगे आत्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ तत्वों पर की मात्रा वो की मात्रा निर्धारित होती है। तो इस प्रकार हम लोग निष्कर्ष पर आए कि उपभोग को आत्मनिष्ठ तत्वों का प्रभाव पड़ता है उपभोग पर, और उपभोग पर वस्तुनिष्ठ तत्वों का प्रभाव पड़ता है। आत्मनिष्ठ तत्वों के प्रभाव से या वस्तुनिष्ठ तत्वों के प्रभाव से उपभोग प्रभावित होता है, और इससे लेवरेज इफेक्ट प्रभावित होता है। इससे क्वेश्चन हो गया कि कंजम्पशन फंक्शन किसे कहते हैं, क्वेश्चन हो गया साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन किसे कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में क्या अंतर होता है। तीसरा खंड हो गया कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तथा मल्टीप्लायर में क्या संबंध है। चौथा हो गया उपभोग को निर्धारित करने वाले वस्तुनिष्ठ तत्वों की चर्चा कीजिए, और लास्ट हो गया उपभोग को निर्धारित करने वाले आत्मनिष्ठ तत्वों की चर्चा कीजिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आधारभूत है केन्सेन थ्योरी का। तो हम लोगों ने केन्सेन थ्योरी का पहला पढ़ा मल्टीप्लायर, और दूसरा पढ़े हैं अभी कंजम्पशन फंक्शन। दैट्स ऑल, थैंक यू। क्लास इज एंड। प्रणाम सर। पूछ रही है। प्रणाम सर। पूछ रही है।